1100 गांवों पर कांग्रेस ने निकाली जन आक्रोश यात्रा। बता दें कि ये साल और अगला साल 2024 के लिए अहम है। इस साल के अंत में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होना है, इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। वही 2024 में लोकसभा के चुनाव के साथ साथ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में भारत के दो सबसे बड़े दल कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी चुनावी शंखनाद कर दिया है। आगामी चुनाव को देखते हुए दोनों पार्टियों ने प्रचार में तेज कर दिया है। इसी के साथ जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है, वहीं प्रदेश में कांग्रेस ने भी 7 अलग अलग जिलों में जन आक्रोश यात्रा निकाली है। बता दें कि खरगोन में कांग्रेस की ये यात्रा 12 दिन में 33 विधानसभा क्षेत्र में निकाली जाएगी। इसमें पहले दिन खरगोन विधायक रवि जोशी के आह्वान पर हजारों लोगों की भीड़ आई। इससे अब भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का जवाब माना जा रहा है। जन आक्रोश यात्रा के बहाने चुनाव के पहले कांग्रेस विधायक रवि जोशी शक्ति प्रदर्शन दिखाने में कामयाब रहे। कांग्रेस के 7 सीनियर नेताओं ने मध्य प्रदेश के 7 अलग अलग इलाकों से इन यात्राओं की शुरुआत की। ये यात्राएं लगभग 11,400 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचती है। बता दें कि ये यात्रा बहुत ज्यादा अब मुंह पे बीजेपी का मारने वाला है। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।